शिवसेना बाल ठाकरे वालों लखीमपुर खीरी विच वापरी घटना नूं लै के भाजपा के केंद्रीय मंत्री विजय मिश्रा अते उसके पुत्र दा पुतला फूक के रोस मुजाहरा किया गया। इस मौके शिवसेना के उप प्रधान रमेश नैयर का कहना है कि लखीमपुर खीरी विच हुई हत्या की शिवसेना बाल ठाकरे सख्त शब्दों निंदा करती है। उन्हां दा कहना है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे नूं गिरफ्तार किया जाए ते किसान अंदोलन की आड़ विच जो शरारती अंसर है उन्हां दी पहचान की जाए। इस मौके उन्हां दा कहना है कि शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों उपर गड्डी चढ़ा के केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा कई किसानों नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। उन्हां कहा कि जेकर केंद्रीय मंत्री के लड़के विरुद्ध जल्दी कार्रवाई नहीं की तो सारिया किसान मजदूर संघर्ष कमेटियां पंजाब के जथे लैके यूपी वल रवाना होणगियां अते इस संघर्ष नूं होर तेज किया जाएगा। यूपी की यूपी सरकार दे विच लखीमपुर खीरी विच जिहड़ा कांड होया उहदे विरोध विच क्योंकि उत्थे बे जिहड़े लोग किसान मुजाहरा कर रहे सी उहदे विरोध विच इन्हां जिहड़ा एक विधायक दे मंत्री दे बेटे ने जिहड़ी गड्डी चढ़ाई आ उहदे विरोध च किया गया क्योंकि उहदे विच चार निर्दोष उस तों बाद जिहड़े झगड़ा होया या दंगा फसाद होया उहदे च चार लोग होर बेकसूर मारे गए। एक पत्रकार की भी जिहड़ी मौत हुई आ बड़ी मंदभागी घटना है। ये यूपी सरकार को पहले ही इतने सख्ती करनी चाहिए थी ता जो कोई बाहरों जाके जो कोई भी बंदा शरारत ना कर सके क्योंकि ये नाल इस किसान अंदोलन की आड़ दे विच देश विरोधी जी शक्तियां सरगर्म हो गई। इन केंद्र की सरकार को चाहिए कि जिते भी किसान अंदोलन हो रहा या किसान धरना ला के बैठे वो छानबीन की जाए कि जोड़े बाहरों आके धरने शामिल होते इन्हों की छानबीन की जाए क्योंकि ये लोग अपना मकसद जोड़ा देश हिंदुस्तान के शरारत करते इन्हों नत्थ पाई जाए तो इन्हों देश विरोध मुकदमे अंदर दिता जाना चाहिए। ये लोग जोड़े आ शरारती तत्व जिदा श्री हरमिंदपुर होया किसानी आड़ दे विच एमएलए श्री हरमिंदपुर माड़ा चंगा गया यह भी बड़ी मंदभागी घटना क्योंकि किसान लोग कोई भी नहीं उन्होंने शायद तीन चार होंगे बाकी जो शरारती तत्व से इन्होंने ये काम किया तो जेडे जाति सबूत एक शब्द भी किसी बंदे माड़े देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखने दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखने दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।